नमस्कार, मैं हूं नीतीश पटवा और आप देख रहे हैं कानूनी जंग। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। हमारी कानूनी जंग की टीम पूरे बिहार में भ्रमण करते हुए मुखिया व उनके प्रतिनिधि से मिलकर जायजा ले रहे हैं, देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं आलोक रंजन और कानूनी जंग बिहार प्रदेश की टीम आज पहुंची है सीतामढ़ी जिला के प्रखंड मेजरगंज और मेजरगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत राज बसवीटा। आइए मुखिया जी से मुखिया जी का परिचय जानते हैं और मुखिया जी हमारे कोरोना के लेकर के कुछ संदेश देना चाहते हैं और अपने ग्राम पंचायत राज में क्या क्या किए हैं मुखिया जी से जानते हैं। मुखिया जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। मुखिया जी पहले आप अपना परिचय देंगे। मेरा नाम चंद्रेश्वर नारायण सिंह हुआ जी। मैं सीतामढ़ी जिला प्रखंड मेजरगंज ग्राम पंचायत राज बसवीटा का मुखिया हूँ जी। शुरुआत में जब यहाँ लॉकडाउन हुआ जी, जनता कर्फ्यू लगा, उसके बाद से ही बीडीओ साहब, सीओ साहब और थाना अध्यक्ष महोदय से बात करके जी, पूरे प्रखंड में चूंकि मैं मुखिया संघ का अध्यक्ष भी हूँ, आठों पंचायत के हर मध्य विद्यालय में एक एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया जी, और प्रखंड मुख्यालय में एक हाई स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया जी, जिसमें बाहर से आए हुए लोग उनके रख रखाव के लिए समुचित सुविधा मुहैया कराया गया प्रशासन के तरफ से जी। एवं थाना अध्यक्ष महोदय निरंतर पूरे प्रखंड में अपने पूरे सशस्त्र बल के साथ और चौकीदार के साथ निरंतर गश्त लगाते रहे। यहाँ लॉकडाउन का भी 100% पालन हुआ है जी। और जो भी मजदूर बाहर से इस क्रम में आए हैं अभी तक उसका जांच करके इससे पूर्व होम क्वारंटाइन किया गया। अब जो ट्रेन से आ रहे हैं उन्हें प्रखंड मुख्यालय में क्वारंटाइन सेंटर जहाँ बनाया गया है वहाँ रखा गया है। 10 मजदूर हमारे प्रखंड का आया, जो ट्रेन आई है दानापुर में उससे जिला में भेजा गया बस के द्वारा, जो जिला प्रशासन ने यहाँ खबर करके लोगों को भेजा बीडीओ साहब गए, गाड़ी भी यहाँ बुला लाया, लोग रखे हुए हैं तो सब लोग का समुचित व्यवस्था किया जा रहा है और हम लोग तत्पर है। पूरा छोटा सा हमारा प्रखंड है आठ पंचायत का और यहाँ सारे मुखिया, सारे जनप्रतिनिधि और सारे पदाधिकारी भी तत्पर है। यहाँ कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, चाहे विस्तार नहीं हुई बीमारी का, इसके लिए सब लोग सतत प्रयत्नशील है। मुखिया जी अपने यहाँ भी कोई पॉजिटिव केस वगैरह कोई आया क्या? अभी तक हमारे प्रखंड में एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया, न हमारे पंचायत में भी केस पॉजिटिव आया है। यानी कि अभी तक अपना पंचायत फुली सेफ है। और मुखिया जी आप अपने पूरे पंचायत में पूरे पंचायत को मतलब ये छिड़काव वगैरह जो करना था हाइड्रोक्लोराइड ये सब का करवा चुके हैं? पूरा जो भी हमारे पंचायत में नक्शा का रोड है सारे रोड पर ब्लीचिंग पाउडर, चूना और जो सैनिटाइजर का सामान है उसका छिड़काव, साथ ही साबुन का हर परिवार में जितने भी सदस्य हैं सदस्य के हिसाब से साबुन का बंटवारा हुआ है, ग्लव्स और मास्क जो भी हमारे कार्यरत है सारे लोगों को दिया गया है, जो सेवा में लगे हुए पंचायत में लोगों के और छिड़काव में जो लगे हैं सारे लोगों को मुहैया कराया गया है, जरूरतमंद और लोग है उन्हें भी दिया जा रहा है। ये हमारे मुखिया जी और भी आप अपने देश को, पंचायत को या प्रखंड को कोई संदेश कोरोना के लेकर के देना चाहे? आज के परिवेश में जो परिस्थितियां उसमें सीधे लॉकडाउन का 100% पालन करें, सुरक्षित रहे, घर में रहे, बहुत आवश्यक हो तो बाहर जाए पर अपनी सुरक्षा खुद करे। इसमें कोई भी चिकित्सा उचित अभी प्राप्त नहीं हो पा रहा है, हर चिकित्सा अंदाज से या डॉक्टर अपने बुद्धि से अपने चला रहा है। इस बीमारी के लिए अभी तक कोई दवा नहीं इजाद किया गया है, तब जितना सुरक्षित रहे लोग वही इसमें सबसे बड़ा सुरक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण है इस बीमारी के। ये हमारे मुखिया जी बसवीटा पंचायत के चंद्रेश्वर नारायण सिंह जी हैं और इनसे हमारी बात हुई कोरोना के संदर्भ में। मैं आलोक रंजन, कैमरामैन मदन के साथ। नमस्कार।